हेलो एवरीवन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम शियर फोर्स एट अ सेक्शन। सो इसके लिए लास्ट जो लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे, लास्ट लेक्चर में हम लोग जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के साथ साथ में जो लास्ट हमारे टू लेक्चर थे उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मेरे पास कोई एक बीम दिया रहता है या मुझे एक ग्रेडर दिया रहता है, उस ग्रेडर पे पर्टिकुलर एक पॉइंट पे अगर मुझे एक सेक्शन काट के दे दिया जाए और मुझसे कोई ये पूछे कि उस पर्टिकुलर सेक्शन पे मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा, तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जिसमें अभी हम मूविंग लोड की बात नहीं कर रहे, अभी हम स्टैटिक लोड की ही बात कर रहे हैं, राइट। सो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन आपको लास्ट कराया था जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर एक सेक्शन कटा है तो शियर फोर्स को IL कैसे ड्रॉ करते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम उसका कैसे ड्रॉ करते हैं, और किस तरीके से ऑर्डिनेट्स निकालते हैं, और किस तरीके से वो नेगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब उसके आगे एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने है जिसमें एक 80 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है, राइट, और उसके ऊपर एक 90 किलो न्यूटन का कंसेंट्रेटेड लोड भी लगा हुआ, और आपका जो ए पॉइंट है वो ए सपोर्ट है, एक बी पॉइंट पे सपोर्ट है, उसके बाद आपका जो यूडीएल है वो ए पॉइंट से 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगा हुआ है, टोटल यूडीएल की जो लेंथ है वो 3 मीटर है, राइट। उसके बाद यूडीएल जहां से खत्म होता है वहां से 1 मीटर के बाद फिर एक कंसेंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है, देन फिर कंसेंट्रेटेड लोड जो है वो बी पॉइंट से 2 मीटर के डिस्टेंस पे, और आपको एक सेक्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये मैंने डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंट किया है ये सेक्शन है, इस सेक्शन को इसने के बोला है, जो कि ए से 3 मीटर के डिस्टेंस पे है एंड बी से 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। दैट मीन कि टोटल जो आपका एल है वो कितना है, वो है आपका 7 मीटर। जो आपका टोटल एल है वो कितना है, 7 मीटर, और आपको मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू इसको बता दी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा कि कभी भी सबसे पहले आपने जो बीम को ड्रॉ किया है, बीम को ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले शियर फोर्स के लिए जो आपको ILD मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले वो ILD ड्रॉ कर लीजिए। तो शेयर फोर्स के लिए मैंने आपको आईएलडी कैसे बताया था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ये रेफरेंस लाइन ले ली, राइट। उसके बाद जहां पर सेक्शन होता है, जैसे ये सेक्शन है, उस सेक्शन पे आप एक वर्टिकल लाइन बना लीजिएगा, ये वर्टिकल लाइन मैंने बना ली। क्या करना है आईएल के लिए, मैंने आपको बताया था कि शेयर फोर्स जो होता है वो सेक्शन के लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, और सेक्शन के राइट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको सेक्शन काटना पड़ेगा, तो यहां पे जहां पे मुझे सेक्शन दिया था मैंने सेक्शन को कट कर लिया और वहां पे एक ये वर्टिकल लाइन बना ली एक रेफरेंस लाइन के ऊपर। उसके बाद जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, सेक्शन के लेफ्ट पे नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नीचे। इसका मतलब ये लाइन के नीचे आप इस तरीके से इसको कनेक्ट करिए, राइट, और सेक्शन के राइट में क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ऊपर, तो ऊपर में इस लाइन को इस लाइन से कनेक्ट करिए। ये आपका पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपका बी, और ये जो हमने ड्रॉ किया है, यहां नीचे नेगेटिव होगा, यहां पे पॉजिटिव होगा, ये क्या है, शियर फोर्स एट अ सेक्शन के लिए आईएलडी हमारा ड्रॉ हो गया। जैसे ही आपका ये आईएलडी ड्रॉ हो जाए उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, ये पॉइंट लोड आपका लगा, यहां से एक डॉटेड बना के ये ऑर्डिनेट निकाल लीजिए, यहां पे इसी तरीके से यहां पे ये यूडीएल एंड हो रहा है तो यहां पे एक डॉटेड लाइन बना लीजिए, राइट, इसी तरीके से यहां पे ये यूडीएल एंड हो रहा है तो यहां पे एक डॉटेड लाइन बना लीजिए। इसका मतलब पॉजिटिव वाला जो शेयर फोर्स है उसका कितना पोर्शन आएगा, उसका इतना पोर्शन यूडीएल के नीचे आ रहा है, तो यूडीएल में हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको हैच करके कवर कर लेते हैं पूरे एरिया को, तो ये एरिया कवर हो गया, राइट। इसी तरीके से यूडीएल के नीचे इसमें भी ये पूरे के ऊपर यूडीएल आ रहा है, मतलब इतने को भी हम कवर कर लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि कितने एरिया पे यूडीएल एक्ट कर रहा है, राइट, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये पॉइंट आपका सी था इसको सी बोल दीजिए, राइट, ये पॉइंट आपका डी था आप इसको डी बोल दीजिए, ये अपना पॉइंट है ई तो इसको ई बोल दीजिए, ई पॉइंट बोल दीजिए। उसके बाद यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक जो लेंथ है वो 1 मीटर है, यहां से यहां तक जो लेंथ होगी वो हो जाएगी आपकी, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, 4, इसका मतलब 1, ये हो जाएगी 3 मीटर यहां से यहां तक पूरी, ठीक है, और यहां से ये भी आपके पास होगी 1 मीटर, यहां से यहां 1 मीटर लिख दीजिए, और यहां से यहां पर ये आपकी होगी 2 मीटर, ठीक है, जिसमें आपका ये जो पूरा पोर्शन है ये आ जाएगा आपके पास 4 मीटर पे, और ये पूरा पोर्शन जो है वो यहां से यहां तक ये आ जाएगा
मीटर ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ही आप इसको पूरा ड्रॉ कर लें, आपने आईएलटी ड्रॉ कर लिया, आपने सेक्शन कट करने के बाद आप लोगों ने लोड के नीचे डॉटेड लाइन ले ली, आपने ये डॉटेड लाइन ले ली, उसके बाद ये ड्रॉ करने के बाद आपको इसके ऑर्डिनेट्स निकालने पड़े। तो ऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो नेगेटिव वाला शेयर फोर्स होता है उसको कैसे निकालते हैं, ए बाय एल से निकालते हैं उसकी हाइट, और जो पॉजिटिव वाला शेयर फोर्स होता है उसको कैसे निकालते हैं, बी बाय एल से निकालते हैं। तो यहां पे अगर मैं ए बाय एल से निकालता हूं तो ए, ए मतलब कौन सा डिस्टेंस होता है, ए का मतलब कौन सा डिस्टेंस होगा आपका, तो ए का जो डिस्टेंस होता है वो पूरा डिस्टेंस ए जो होगा वो कहां तक होगा, आपका सेक्शन से पहले वाला डिस्टेंस। तो सेक्शन से पहले पहले का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो सेक्शन ये काटा है मैंने, सेक्शन से पहले डिस्टेंस कितना है आपका 3 मीटर, दैट मीन कि ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय क्या होता है एल, एल मतलब क्या टोटल स्पान, टोटल स्पान कितनी है 7, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3/7 राइट। ए बाय एल में जो ए होता है वो क्या होता है, जो सेक्शन से पहले का एरिया होता है, पहले की लेंथ होती है वो ए होता है, और सेक्शन के बाद जो लेंथ होती है वो क्या होती है, बी होती है। तो मैंने आपसे बोला कि ये निकलता है ए बाय एल से, ए मतलब 3 हो जाएगा क्योंकि सेक्शन से पहले की लेंथ 3 मीटर है, तो 3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा राइट। अब इसके बाद में आगे गया, इसके बाद में आगे गया, मैंने आपसे बोला कि आपको यहां पे बी बाय एल निकालना है, तो बी मतलब सेक्शन के बाद वाली लेंथ, सेक्शन के बाद में कितनी लेंथ है, सेक्शन के बाद वाली लेंथ, सेक्शन के बाद में कितनी लेंथ है, तो सेक्शन ये कटा है यहां से यहां तक की लेंथ कितनी दी है, ये 4 दी हुई है, इसका मतलब ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय एल, एल मतलब 7, तो ये 4/7 हो जाएगा। इसी तरीके से अब मुझे यहां पे ये ऑर्डिनेट निकालना है, कहां पे ई पे ऑर्डिनेट निकालना है पहले, तो जब हम ई के लिए ऑर्डिनेट निकालते हैं तो यहां से डिस्टेंस लेते हैं, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होती है वो एक्स होती है, इसका मतलब यहां से एक्स आपका चलेगा राइट, और आप डिवाइड बाय एल कर दीजिए, तो एक्स यहां से एक्स कितना है, यहां से ये डिस्टेंस कितनी है 2, और एल कितना है 7, इसका मतलब ये ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2/7 के बराबर। इसी तरीके से यहां तक आएंगे तो ये ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां तक मतलब ये डिस्टेंस, तो 2+1 मतलब 3, तो ये हो जाएगा 3/7 के बराबर, तो आप इसको 3/7 कर दीजिए। इसी तरीके से यहां से यहां तक अगर मुझे ये ऑर्डिनेट चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 1 मीटर है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/7, तो इसको आप लिख देंगे 1/7 राइट। तो इस तरीके से पहले आप इसके ऑर्डिनेट निकाल लीजिए, तो ऑर्डिनेट आप निकालेंगे तो यहां पे अपन मेंशन भी कर सकते हैं लेट ऑर्डिनेट फॉर पॉइंट सी राइट, सी पॉइंट के लिए निकालें तो कितना हो जाएगा एक्स बाय एल, जो एक्स होगा वो कहां से लेना है फ्रॉम पॉइंट ए, ए से आपको लेना है राइट, तो ये हो जाएगा एक्स बाय एल, तो एक्स मतलब फ्रॉम ए से कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय एल कितना है 7, तो ये 1/7 आ जाएगा राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑर्डिनेट ले लेते हैं फॉर पॉइंट, किस पॉइंट के लिए ले लेते हैं, तो अब अपन पॉइंट ले लेते हैं सी के लिए, अपना हो गया है, अपन को निकालना है डी के लिए, डी के लिए कहां से, तो यहां पे ये भी होगा क्या एक्स बाय एल, जो एक्स होगा वो कहां से लेना है फ्रॉम पॉइंट, किससे लीजिएगा बी से लीजिएगा, तो एक्स इक्वल फ्रॉम पॉइंट बी, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा अपन किसके लिए निकालें डी पॉइंट के लिए, तो ये हो जाएगा 3, और एल कितना है आपके पास 7, मतलब आपका एक्स बाय एल तो 3/7, यही मैंने लिखा है यहां पर डी पॉइंट के लिए 3/7 राइट right? इसी तरीके से अगर आपको ई के लिए निकालना है फॉर पॉइंट ई, ई के लिए निकालना है तो यहां भी क्या होगा एक्स बाय एल राइट, तो जो एक्स होगा वो यहां पे भी कहां से होगा फ्रॉम पॉइंट बी, बी से लीजिए, तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा ई पॉइंट की बात करें तो 2 मीटर राइट, और एल यहां पे अगेन 7 है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स बाय एल, एक्स से मतलब 2/7, इसका मतलब ये हो गया आपका 2/7, यहां से देख सकते। तो आपका सबसे पहले काम क्या होगा, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना आईएलटी में, वो है इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को याद रखना, बिकॉज आईएलटी कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया, हर पॉइंट के लिए मैंने आपको डेरिवेशन बताई कैसे रिएक्शन के लिए बनाता है, लेकिन वो आपको याद रखना पड़ेगा जब आप कोई उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे हो, दैट मीन आपको पता होना चाहिए कि उसका आईएलटी कैसे ड्रॉ होगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि रिएक्शन के बाद शेयर फोर्स के लिए कैसे होता है, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाइंडिंग मोमेंट के लिए कैसे होता है, तो हमें उसके लिए उसका आईएलटी याद रखना पड़ेगा। तो जैसे ही हमें हमारा
क्वेश्चन मिलता है ना, हमने क्वेश्चन को ड्रॉ किया और हमें क्या करना है, तो हमें शेयर फोर्स के लिए यहाँ पे सेक्शन पे करना है, तो हमें याद होना चाहिए कि सेक्शन पे शेयर फोर्स के लिए आईएलडी कैसे ड्रॉ होता है। तो हमने ड्रॉ किया और उसके बाद उसके ऑर्डिनेट निकाले। ऑर्डिनेट निकालना बिल्कुल सिंपल है, आप खुद देख सकते हैं कैसे निकालना है। तो एक्स बाय एल की कंडीशन लगानी है, बस एक्स कहां से मेजर करना है वो आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो वो हमेशा जीरो साइड से मेजर होता है। अब इसी तरीके से अगर मैं मैक्सिमम शेयर फोर्स की बात करूं, मैं मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालता हूं, शेयर फोर्स एट सेक्शन के की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इसको शेयर फोर्स एट सेक्शन के, शेयर फोर्स एट सेक्शन में के निकालता हूं। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले कंडीशन माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि मैं यहां से ए से निकालना शुरू कर रहा हूं, तो ए में सबसे पहला जो पोर्शन आ रहा है वो कितने का है, माइनस का है, क्योंकि नीचे जो होगा सेक्शन से इस तरह पूरा माइनस में होगा, और सेक्शन के उस तरह पूरा क्या मिलेंगे, प्लस मिलेंगे। तो यहां से शुरू करते हैं अगर, तो सबसे पहला पोर्शन जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, वो इतना आ रहा है, और इस पूरे पोर्शन पे कौन सा लोड लगा है, यूडीएल लगा है, ये इस पे यूडीएल लगा। और मैंने आपको लास्ट भी क्लास में बता दिया था, जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किए उसमें बता दिया था कि जब भी यूडीएल की बात होगी, जब भी यूडीएल की बात होगी तो यहां एक कंडीशन लगती है, लोड इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ आईएलडी, जब भी यूडीएल की बात होगी। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड लोड है, पॉइंट लोड है, तो उस कंडीशन में सीधा पॉइंट लोड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डिनेट से निकल आता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो माइनस वाला पोर्शन है उस पर यूडीएल लगा है, इसका मतलब यूडीएल, यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है 80, इसका मतलब सबसे पहले लिखेंगे यहां पे जो कंडीशन बनेगी, फॉर्मूला जो बनेगा वो लोड इंटेंसिटी, मतलब लोड लिख देता हूं यहां पे, इनटू एरिया, एरिया किसका, जो उस लोड के नीचे एरिया बन रहा है, मतलब ये, और ये आपको कैसे दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा है ट्रेपेज़ॉइडल टाइप का, आपको कैसा दिख रहा है, ये रेक्टेंगल है नहीं है, सर्कुलर है नहीं है, स्क्वायर है नहीं है, ये कैसे दिख रहा है आपको, ट्रेपेज़ॉइडल टाइप का। इसका मतलब जो एरिया लगेगा वो क्या लगेगा, एरिया का फॉर्मूला ट्रेपेज़ॉइडल का फॉर्मूला लगेगा, मतलब ट्रेपेज़ॉइडल के लिए फॉर्मूला होता है एच बाय टू ब्रैकेट ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लगेगा, और ये पूरा कैलकुलेशन माइनस में होगा बिकॉज ये पूरा सेक्शन के लट में है, इसका मतलब ये माइनस। अब इसमें ऐड कर देंगे प्लस, अब जैसे ही मैं सेक्शन के उस तरफ पहुंचूंगा तो उस तरफ में भी जो आपका इस पॉइंट से, इस पॉइंट से के सेक्शन से बी तक का जो पार्ट है वो भी यूडीएल के नीचे का पार्ट है, मतलब उसमें भी सेम कंडीशन लगेगी, बस प्लस में लगेगी, और वो कंडीशन क्या होगी, अगेन लोड इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ आईएलडी, और यहां पे भी ये क्या है, एक छोटा सा ट्रेपेज़ॉइडल है, मतलब एरिया का फॉर्मूला तो वही होगा एच बाय टू ब्रैकेट ए प्लस बी, ये पॉजिटिव ले लें। अब इसके बाद जैसे ही मैं ये यूडीएल को क्रॉस करने के बाद ये आगे गया, तो यहां से यहां तक कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद फिर एक ये कंसंट्रेटेड लोड लगा, 90 का लोड लगा, तो जो कंसंट्रेटेड लोड होता है उस तरफ प्लस है, तो प्लस में लेंगे, 90 का लोड है मतलब लोड आ जाएगा 90 का, ये लोड आ गया, इनटू मल्टीप्लाई बाय ऑर्डिनेट, तो उसके नीचे का जो ऑर्डिनेट होगा वो ऑर्डिनेट आ जाएगा, ऑर्डिनेट, राइट। तो अब इसमें अगर वैल्यू मैं पुट करता हूं, तो शेयर फोर्स एट के इक्वल माइनस लोड, लोड इंटेंसिटी अपने यूडीएल की जो है वो 80 है, इनटू एच, एच क्या देखना है, इस ट्रेपेज़ॉइडल के लिए। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ट्रेपेज़ॉइडल आपका ऐसा कुछ होता है, ये आपका ट्रेपेज़ॉइडल, तो ये जो हैचिंग पार्ट अपना है, राइट। तो ये जो होती है ना, ये इसकी एच होती है, जो इसकी हाइट होती है, और कोई भी एक साइड को ए बोल दीजिए, किसी दूसरी साइड को आप बी बोल दीजिए, तो इसका मतलब मैंने ये वर्टिकल बनाया तो ये एच है, अगर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल बना दूंगा तो एच कैसे में ऐसे में हो जाएगा, मतलब इसका, इसका एच कहाँ होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये पूरा एच हो जाए, तो ये एच, ये इतना पार्ट कितना है, ये आपका यहां से 1 मीटर है, ये टोटल यहां तक 3 मीटर है, दैट मीन की ये कितना है 2 मीटर है, इसका मतलब एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, मतलब यहां पुट करेंगे क्या 2 डिवाइड बाय, राइट, डिवाइड बाय क्या 2, तो यहां पर 2 आ जाएगा ब्रैकेट ए प्लस बी, तो a प्लस बी इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक है, तो इसको अपन a बोल देते हैं और इसको अपन b बोल देते हैं, तो ये a, तो ये कितना है 1/7, और b मतलब इसका वो कितना है 3/7, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/7 प्लस 3/7, ये पूरा कैलकुलेशन माइनस का, राइट। अब इसके बाद प्लस, ये प्लस आ गया, लोड वापस से लोड इंटेंसिटी वो 80 है, इनटू एरिया ऑफ आईएलडी, तो अब ये वाला एरिया ऑफ आईएलडी ले रहा है, मतलब इसके लिए एच कितना हो जाएगा, ये इसके लिए एच होगा, ये इतना एच होगा, तो ये एच, ये इतना, इतना कितना होगा, ये 1 मीटर, क्योंकि अगर मैंने यहां तक 2 मीटर लिया, ये पूरा यहां 3 है, ये 1 है, तो ये 2 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या है 2, तो 2 आ जाएगा,
ब्रैकेट ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब आप इसको ए बोल दीजिए और इसको बी बोल दीजिए, तो ए मतलब 3/7 और बी मतलब 4/7, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3/7 प्लस 4/7, राइट। किसी को भी ए बोल दीजिए, किसी को भी बी, क्योंकि वो हमें एडी करना है। इसके बाद प्लस क्या है 90 का लोड, तो 90 का कंसेंट्रेटेड लोड मल्टीप्लाई बाय उसका ऑर्डिनेट, तो उसका ऑर्डिनेट कितना डायरेक्ट आ जाएगा 2/7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/7। अब जब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो शेयर फोर्स एट के अगर मैं निकालूंगा तो शेयर फोर्स एट के आएगा, इस पूरे को कैलकुलेट करके देखूंगा तो आएगा प्लस 20 किलो न्यूटन के बराबर ही आ रहा है एट के पे। यही हमारा क्या है आंसर, क्योंकि हमसे पूछा था शेयर फोर्स एट द सेक्शन। तो बेसिकली अपन ने ऊपर अगर, और लोडिंग याद रखिएगा यहां पे स्टैटिक लोडिंग दी हुई है, कि अगर लोडिंग मेरा एक पास ग्रेडर है, ग्रेडर पे एक लोडिंग ये है जो यूडीएल 80 किलो न्यूटन पर मीटर का 3 मीटर स्पान पे, और एक कंसेंट्रेटेड लोड लग रहा है, अगर ये अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, अपनी जगह पे सेटल्ड है, तो उस कंडीशन में अगर मैं यहां एक सेक्शन काटता हूं तो इस सेक्शन पे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो मे भी नेगेटिव हो सकती है, वो मे भी पॉजिटिव हो सकती है, वो वैल्यू आपको बताने, वो मैक्सिमम भी हो सकती है, वो मिनिमम भी हो सकती है, अपन को एक सेटल्ड कंडीशन में वैल्यू पूछे, राइट। तो अपन को सिर्फ ऐसे कहे केस में इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहला आपका मेन काम है आईएलडी को ड्रॉ करना, उसके ऑर्डिनेट निकालना, बाकी तो आपको देख रहे हैं कि आप बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो जो वैल्यू आ रही है एट सेक्शन के पे, मैक्सिमम नहीं वो उस लोडिंग के बेसिस पे जितनी भी आ रही है, तो वो कितनी आ रही है 20 किलो न्यूटन की वैल्यू आ रही है इस पर्टिकुलर सेक्शन पे। अगर लोड ऐसे लगे हैं तो जो शेयर फोर्स आएगा इस सेक्शन पे वो 20 किलो न्यूटन आएगा, और क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से आप सेक्शन के ऊपर शेयर फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।